नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन फिसला $39,000 से नीचे। ईथर और दूसरे ऑल्टकॉइंस में भी आई गिरावट। संडे स्वैप के लॉन्च होते ही फेल हुए ट्रांजैक्शन। कार्डानो फिसला नीचे। कॉइन लिस्ट टोकन सेल में एगोरिक ने सिर्फ 2 घंटे में $50 मिलियन जुटाए। ट्विटर द्वारा NFT प्रोफाइल पिक्चर को अनुमति देने पर एलोन मस्क ने जताई नाराजगी। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम में NFTs को लॉन्च करेगी। NFT फर्म ड्रॉप जीजी जियो मीटिंग और मिक्स रियलिटी इवेंट्स को करेगी लॉन्च। ई कॉमर्स जॉइंट मर्काडो लिब्रे ने क्रिप्टो फर्म पैक्सॉस और 2TM में किया इन्वेस्ट। न्यूयॉर्क के मेयर अपनी पहली सैलरी को बिटकॉइन और इथर में करेंगे कन्वर्ट। मल्टीचेन हैकर ने लौटाए $1 मिलियन के 322 ETH, चार्ज की मोटी फाइंडर फीस। इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए फिनरा क्रिप्टो रेगुलेशंस में ला सकती है बदलाव। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए आज मुश्किल भरा फ्राइडे था। एनालिस्ट और फेडरल रिजर्व रेट में बढ़ोतरी होने के स्पेकुलेशन के बीच बिटकॉइन $39,000 से नीचे फिसला। इधर सोलाना, कार्डानो, बाइनांस स्मार्ट चेन और दूसरे लेयर 1 टोकन भी इन्वेस्टर्स के रिस्क एवर्जन को ट्रैक करते हुए क्रैश हुए थे। इस साल एटलीस्ट 4 रेट हाइक्स के मुताबिक मार्केट प्राइस एडजस्ट हुई है और कुछ एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 5th रेट हाइक की संभावना बनी हुई है। ऑलमोस्ट सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सिग्निफिकेंट बिटकॉइन लिक्विडेशन देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडेशन बायनांस एक्सचेंज में रजिस्टर हुआ है। ऐसे में पिछले 24 घंटों में डिजिटल गोल्ड 8% की गिरावट के साथ $38,715 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इधर ने 12% की गिरावट के साथ $2,823 पर ट्रेड किया। वही अन्य लेयर 1 कॉइन्स जैसे सोलाना, कार्डानो, बायनांस स्मार्ट चेन, पोलका डॉट में भी गिरावट देखी गई। कार्डानो नेटवर्क का पहला डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डैप संडे स्वैप के लॉन्च ने यूजर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है। डेक्स पर ट्रेडिंग 20 जैन को रात 9:45 को UTC पर शुरू हुई है। हालांकि लॉन्च के कुछ ही मिनटों के भीतर यूजर्स ने छोटे कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म एरर्स पे भीड़ के कारण फेल ट्रांजैक्शंस की सूचना दी। यूजर्स के बढ़ते कंप्लेंट्स ने संडे स्वैप के CEO मैटिन मोटावैफ को ये साफ करने के लिए मजबूर कर दिया कि प्रोसेसिंग ऑर्डर्स में डिले कंजेशन के कारण हुई थी। संडे स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज DEX और टोकन ट्रेकिंग प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेडों को स्वैप करने और लिक्विडिटी जोड़ने की अनुमति देता है। ऐसे में उन्होंने यूजर्स को पेशेंस रखने की अपील की। इथेरियम किलर की कीमत पिछले एक हफ्ते में 50% से अधिक बढ़ी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में इसमें गिरावट देखने मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संडे स्वैप के लॉन्च का फेल्यूर ऑल्ट कॉइन की मंदी की गिरावट के अहम वजहों में से एक है। कार्डानो $2 छूने के ट्रैक पर था, लेकिन DEX लॉन्च के फेल होने के बाद लेटेस्ट डेटा के अनुसार आज ये 5% से ज्यादा नीचे फिसला है और इस तरह से $1.19 पर कारोबार कर रहा है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के क्रिएशन में स्पेशलाइज करने वाले स्टार्टअप एगोरिक ने थर्सडे को घोषणा की है कि उसने 2 घंटे के भीतर कॉइन लिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेटिव BLD टोकन्स में $50 मिलियन से ज्यादा की सेल की है। पहले के सीड राउंड के साथ इस प्रोजेक्ट ने अब तक $85 मिलियन से ज्यादा जुटाए हैं। BLD स्टेकिंग टोकन्स के पब्लिक सेल ने एगोरिक ब्लॉकचेन में 40,000 या उससे ज्यादा नए अकाउंट होल्डर को भी जोड़ा है। 10 मिलियन से ज्यादा डेवलपर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादातर अन्य स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की तुलना में काफी सुरक्षित साबित हुआ है। एगोरिक 2018 में एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग लैंग्वेज के रूप में शुरू हुआ था, जिसे पॉपुलर डेवलपर लैंग्वेजेस तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग भी किए गए थे। एलोन मस्क यूजर्स को वेरीफाइड NFT प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए इजाजत देने के ट्विटर के फैसले से नाखुश है। दरअसल ट्विटर ने गुरुवार को घोषणा की कि वो iOS यूजर्स के लिए अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू पर NFTs को अपने प्रोफाइल पिक्चर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। नए NFT पिक्चर्स में ज्यादातर ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर्स की तरह सर्कुलर होने के बजाय एक सॉफ्ट हेक्सागोनल आकार का होगा।
ऐसे में मस्क ने शुक्रवार की सुबह घोषणा के बारे में ट्वीट करते हुए उसे अनोइंग बताया है। मस्क ने अपने ट्वीट पोस्ट में कहा कि ट्विटर इस बीएस पर इंजीनियरिंग रिसोर्सेज खर्च कर रहा है, जबकि क्रिप्टो स्कैमर हर थ्रेड में एक स्पैम बॉट ब्लॉक पार्टी दे रहे हैं। पहले फेसबुक INC के नाम से जाने जाने वाला मेटा प्लेटफॉर्म्स INC नॉन फंजिबल टोकन बैंडवैगन में शामिल होने की प्लानिंग में है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को डिजिटल असेट्स को मिंट, सेल और ट्रेड करने की अनुमति भी दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मेटा पहले से ही उन सुविधाओं पर काम कर रही है जो यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर NFT डिस्प्ले करने की इजाजत देगी। मेटा एक प्रोटोटाइप पर काम कर रही है जो यूजर्स को टोकन मिंटिंग या क्रिएशन में मदद करेगा। NFTs एक तरह के वर्चुअल असेट्स है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा आर्टवर्क, म्यूजिक, कलेक्टिबल्स और वीडियो गेम आइटम्स जैसी डिजिटल आइटम्स के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। 2021 में NFT मार्केट की वैल्यू $41 बिलियन तक पहुंच गई है। अक्टूबर में कंपनी के मेटा की रिब्रांडिंग के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि NFT मेटा के मेटावर्स में बदलाव का हिस्सा होगा। सोलाना बेस ऑगमेंटेड रियलिटी और NFT प्लेटफॉर्म ड्रॉप GG जियोग्राफिकल बेस NFT मिंटिंग और मेटावर्स से जुड़ी मिक्स रियलिटी इवेंट्स को तैयार कर रहा है। ऐसे में ड्रॉप GG फाउंडर मिस्टर मूनमैन के मुताबिक NFT का एडॉप्शन इनविटेबल है और जल्द ही NFTs उन ट्रांजेक्शन की जगह लेगा जिनके लिए ऑथेंटिसिटी के प्रूफ की जरूरत होगी। इसके अलावा मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लिए AR सपोर्ट भी काम कर रहा है जो यूजर्स को मिक्स रियलिटी इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने में मदद करता है, जिसमें वर्चुअल लैंड के डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस और फिजिकल वर्ल्ड में ड्रॉप लैंड में खरीदे गए अन्य NFTs भी शामिल है। ड्रॉप में हाल ही में एक फंडिंग राउंड में $8 मिलियन जुटाए थे, जिसमें एनिमोका ब्रांड्स, एलामेडा रिसर्च, डी फाइनेंस कैपिटल और 3 Arrows Capital जैसी टॉप क्रिप्टो एंड NFT फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया था। फंडिंग का उपयोग IP एक्यूमुलेशन, पार्टनरशिप्स और मेटावर्स AR टेक के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी मर्कैडो लिब्रे ने 2TM में इन्वेस्ट किया है, जो कि मर्कैडो बिटकॉइन की होल्डिंग कंपनी है, जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। जबकि पैक्सॉस एक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। मर्कैडो लिब्रे ने 2TM के शेयर खरीदे हैं और पैक्सॉस में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी जानकारी कंपनी ने थर्सडे बिना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का खुलासा करते हुए जारी किए गए अपने स्टेटमेंट्स में दी है। ऐसे में दिसंबर 2021 में मर्कैडो लिब्रे ने अपने डिजिटल वॉलेट मर्कैडो पैगो के यूजर्स को ब्राजील में बिटकॉइन ईथर और स्टेबल कॉइन पैक्स डॉलर USDP खरीदने और बेचने की इजाजत देने के लिए पैक्सॉस के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अनिवार्य बनाता है। कंपनी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट मर्कैडो लिब्रे के रीजन में क्रिप्टो असेट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इस्तेमाल के लिए कमिटमेंट को मजबूत करता है। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो TV भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाए क्रिप्टो TV को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो TV, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।